3, 2, 1। महान लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारे देश की दिशा को एक नया आयाम दिया है और हमारे इस देश को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। उन सभी महान लोगों के जीवन की कई घटनाएं हैं जिनसे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज से हम इन कहानियों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें पहली कहानी है विवेकानंद जी की। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारत का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने विवेकानंद जी के बारे में नहीं सुना होगा। विवेकानंद जी ने जीवित रहते लाखों करोड़ों युवाओं को सफलता का संदेश दिया और उन्हें सफलता तक पहुंचाया और उनके मरणोपरांत भी उनके संदेश हमेशा के लिए जीवित रह गए। विवेकानंद जी के जीवन की एक ऐसी सत्य घटना है जिससे हम सभी युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसे हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है। एक बार विवेकानंद जी बनारस की घाटों पर अपने हाथों में फलों की टोकरी लिए हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। उनकी नजर एक दूर पर बैठे हुए बंदर पर पड़ी जो उन्हें घूर रहा था। अब विवेकानंद जी ने अपने कदमों की चालों को थोड़ा बढ़ा लिया लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो 3-4 बंदर उनका पीछा करने लगे। अब उन्होंने अपने कदमों की चालों को और तेज कर दिया लेकिन ये क्या, जब पीछे देखा तो 8-10 बंदर उनका पीछा करने लगे। वो थोड़े से डर गए और भागने लगे, अपने फलों की टोकरी को पकड़कर जोर से भागने लगे लेकिन पीछे और बंदरों की संख्या बढ़ती गई उन फलों को खाने के लिए। लगभग 20 से 25 बंदर उनकी और तेजी से भागने लगे और विवेकानंद जी भी अपने फलों की टोकरी को अपने सीने से जकड़कर जोर जोर से भागने लगे। दूर पर खड़े हुए एक संत ने जैसे ही ये दृश्य देखा उन्होंने जोर से चिल्लाया कि बेटा भागो मत, उनका सामना करो, उनका सामना करो। विवेकानंद जी उन संत की बातों को बखूबी समझ चुके थे, दौड़ते दौड़ते अपने कदमों को रोका और बंदरों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। उन्होंने अपनी फलों की टोकरी को संभाला और पास में देखा एक लकड़ी पड़ी हुई थी। उन्होंने उस लकड़ी को जैसे ही उठाया सारे के सारे बंदर भाग खड़े हुए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की इस घटना में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं समस्याएं आती ही हैं, मुसीबतें आती ही हैं, लेकिन हम कई बार उनका सामना करना छोड़ देते हैं, उनसे हार मान लेते हैं, उनसे भागने लगते हैं, कभी भी उनका डट कर सामना नहीं करते। और यदि हम ऐसे ही डरते रहे तो वो समस्याएं हमें ऐसे ही डराती रहेंगी।
हमें मारती रही, लेकिन जिस दिन हमने डटकर उन मुसीबतों का सामना कर लिया, फिर जिंदगी की कोई ऐसी मुसीबत नहीं होगी जो हमारे सामने टिक पाएंगी। तो आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत हमारे सामने आती है तो हमें डटकर उसका सामना करना है, ना कि उससे भागना है। जल्दी ही आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा नई कहानी लेकर। आप सुन रहे हैं।